Hello to all viewers and welcome to Cricketing Mind. Pakistan versus New Zealand T20 series is going on and the third T20 is going to play today at Lahore tonight. और आज जो पाकिस्तान अगर ये मैच निकाल लेता है तो पाकिस्तान सीरीज जीत जाएगा और फिर फर्दर जो दो मैचेस होंगे दैट विल बी द प्ले फॉर द प्राइड फॉर द न्यूजीलैंड, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी 2-0 अप है. ये मैच एक तो सीरीज परस्पेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान आज जीतता है तो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम T20 की हिस्ट्री के पहले कप्तान बन जाएंगे मोस्ट विंस के साथ. अभी एन मॉर्गन है जो टॉप पे हैं उनका बराबर कर चुके हैं रिकॉर्ड बाबर आजम, और अगर आज वो जीतते हैं तो ही विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ T20. डेफिनेटली प्राइड मोमेंट फॉर पाकिस्तान, फॉर ऑल ऑफ द पाकिस्तानीज के बाबर ने अचीव किया. कहाँ किया? यूएई में. पाकिस्तान में ये डिबेट सेपरेट है, लेकिन रिकॉर्ड इज द रिकॉर्ड, स्टैट इज द स्टैट. जो बाबर फैंस हैं वो नाराज़ भी हो जाते हैं, जब भी बात की जाती है कि मोस्टली सीरीज जिम्बाब्वे के साथ थी, नेदरलैंड्स के साथ थी, लेकिन जिसके साथ भी इंटरनेशनल टीम है चलो मान लेते हैं, तो डेफिनेटली मस्ट. तो थोड़ा सा आज के मैच की तरफ भी आते हैं कि जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तीसरा मैच है और उनके जो प्लेयर हैं ऑलराउंडर चैपमैन, उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड वापसी करेगा. मुझे नहीं ऐसा लगता, पाकिस्तान बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सीरीज जीतेगा. आज का मैच की कम्प्लीटली बात नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली मुझे वैसे परसेप्शन आ रहा है कि T20 सीरीज 4-1 पाकिस्तान के नाम रहेगी. एक मैच में उनको आज दे रहा हूँ कि विजिटर्स हैं, माइट भी एक मैच निकाले, लेकिन वैसे बजाय लग रहा है कि पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंसिवली सीरीज निकालेगा. और आज का मैच अगर जीतता है तो फिर तो सीरीज की कोई बात ही, पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आज मोहम्मद रिजवान माइट भी ना खेलें तो उनकी जगह मोहम्मद हारिस हैं. अब ओपनर कौन आता है ये डिबेटेबल है, तो मेरे ख्याल से जो ओपनर्स हैं दैट विल बी साइम अयूब और बाबर आजम ओपन करेंगे और हारिस वन डाउन ही आएंगे. लेट्स सी टाइम क्या होता है, वक्त के साथ 9 बजे मैच स्टार्ट होगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कौन किस तरह मैच जा रहा है. तो चैनल को सब्सक्राइब अपने करते रहना, जिस तरह आपकी सपोर्ट चल रही है, वीडियोस आती रहेंगी. और अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. तीसरा मैच है आज 9 बजे शुरू होगा और उसके बाद 1-2 बजे तक मैच चलता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आते हैं. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.